जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके सितारे आजकल, इस बारे में आपको समस्त जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आज के ग्रह गोचर से। ग्रह गोचर यानी आसमान में उपस्थित ये नवग्रह देवता सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु महाराज किस किस राशि में किस किस स्थान पर विराजमान होकर हमें यानी हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं या दंडित कर रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यह आशीर्वाद और दंड मिलता है आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, उनमें उपस्थित ग्रहों के अनुसार, और जन्म कुंडली के ग्रह आपके पूर्व जन्म में किए गए पाप और पुण्य के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं परमपिता के द्वारा। इसी वजह से एक ही दिन एक ही समय में कोई व्यक्ति राजा के यहाँ जन्म लेता है राजकुमार बनकर, और सेम उसी समय पर एक व्यक्ति एक जीवात्मा भिखारी के यहाँ जन्म लेती है भिखारी बनकर। यह हमारे कर्मों का प्रताप है, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की ओर अग्रसित होना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने ग्रह गोचर से। आज वृष राशि में शुक्र देव यानी अपनी ही राशि में अब वक्री होकर नहीं मार्गी होकर विराजमान हो चुके हैं। राहु महाराज सूर्य देवता और बुध देवता, जिसमें से राहु महाराज और बुध देवता वक्री हैं, और ये तीनों के तीनों जिसमें सूर्य देव भी शामिल है मिथुन राशि में विराजमान है। यहाँ पर सूर्य देवता राहु महाराज से बहुत बुरी तरीके से पीड़ित हैं। सिंह राशि में चंद्र देवता विराजमान हैं, धनु राशि में केतु महाराज विराजमान हैं बकरी होकर, और मकर राशि में बृहस्पति देवता भी और शनि देवता भी विराजमान हैं, दोनों ही वक्री हैं, जबकि बृहस्पति देवता वक्री होने के साथ साथ नीच भी हैं। मंगल देवता कुंभ राशि में विराजमान है, तो इन्हीं के अनुसार आपको फल मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तो किस प्रकार मिलेगा, आइए उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप सबकी बदौलत आज YouTube पर हमारे 14,95,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल का आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के लिए नोटिफाई करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की जानकारी स्वतः ही प्राप्त होती रहे। एवं इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सनातन धर्म के ज्ञान की ये गंगा निरंतर बहती रहनी चाहिए। कोई आक्रमणकारी आकर हमारे मंदिरों मस्जिदों को तो या धर्म स्थानों को तो नष्ट कर सकता है, किंतु हम जो सनातन धर्म की इस गंगा को कभी नहीं मिटा सकता, ये युग युगांतर तक इसी प्रकार बहती रहे। तो अपना दायित्व तो समझकर किसी भी अच्छे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, मत भूलिएगा, मत भूलिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2077 शनिवार का दिन है, तारीख है 27 जून सन 2020, सप्तमी तिथि है शुक्ल पक्ष के अषाढ़ मास की। आसमान में व्यातपात नाम का योग बना हुआ है और पूर्वा फाल्गुनी नामक नक्षत्र विराजमान है। राहु काल सुबह 8:55 से लेकर 10:11 तक रहने वाला है, जबकि शुभ मुहूर्त जो है यानी जिसे हम अभिजीत मुहूर्त के नाम से जानते हैं 11:55 से लेकर 12:52 तक रहेगा। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, अमृत वेला यानी भगवान के दरवाजे जो खुलेंगे आज, यानी आज की बात करता हूं तो इसे कल पर लागू करिएगा, यानी कल 28 जून को जो भगवान के दरवाजे खुलने जा रहे हैं वो खुलेंगे सुबह 2 से लेकर सुबह 3:30 तक। और इस जो वेला में जिसे हम अमृत वेला कहते हैं, तो उसमें सभी ह्यूमन बीइंग्स हम सबके साथ देवता भी वहां पर आ जा सकते हैं प्रभु के पास और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
इससे पहले कि मैं राशिफल प्रारंभ करूं, एक छोटी सी घटना आज जो मेरे साथ घटित हुई है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। आज ही जब मैं सिद्धार्थ होटल, जो 5 स्टार होटल है, वहाँ की रेड लाइट से अपने स्थान की तरफ यानी मंदिर की तरफ टर्न कर रहा था, तो रेड लाइट पर हिजड़ों ने मुझे रोक लिया। और जब मैंने उनसे पूछा क्या परेशानी है, तो कहते हैं गुरुजी आप हमें कोई अंगूठी दो, क्योंकि हमारे काम धंधे नहीं चल रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमने आपके YouTube पर लगातार वीडियो देखते हैं, तो आप अपना आशीर्वाद कोई अंगूठी के रूप में हमें प्रदान करो ताकि हमारे काम धंधे ठीक हो सके। अब इस बात का क्या महत्व हो सकता है, क्या अर्थ हो सकता है, किस रिफरेंस में इस बात को यूज किया जा सकता है, आप मुझसे बेटर समझ सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज के राशिफल से। तो मेष राशि वालों, आपके परिवारजनों के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन रहने वाले हैं, भाई बहनों के साथ कुछ अड़चनों के बावजूद आप अपने बुद्धि विवेक से उसे ठीक करने का प्रयास करिएगा, उनके साथ संबंधों को खराब मत होने दीजिएगा, उनकी भाई बहन ही नहीं है वो, आपके लिए आपका बाहुबल है, तो अपने बाहुबल को कभी भी कोई कमजोर नहीं होने देता है। बात करते हैं माता के साथ, तो माता का आशीर्वाद आपको आज स्टूडेंट्स के लिए विशेषकर काम आने वाला है, तो जिन स्टूडेंट का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा है तो वो फोकस पर करें, निश्चित रूप से उनको उसमें फायदा होगा, तो माता का आशीर्वाद लेकर वो स्टूडेंट अगर पढ़ने बैठेंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ की प्राप्ति होगी। माता का आशीर्वाद लेते रहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए, ये तो गुरु मंत्र बना लीजिएगा आप अपने जीवन में, क्योंकि माता और पिता का आशीर्वाद सदैव आपके काम आएगा, और आप के मान सम्मान में ही नहीं धन धान्य और सौभाग्य में निरंतर वृद्धि करता है। जिन स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई से विरक्त हो रहा है या उनके मेहनत करने के बाद अच्छे नंबर नहीं आते, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें, हम गारंटी से उनकी मदद करेंगे अच्छे नंबरों के लिए और पढ़ाई लिखाई में मन लगाने के लिए। बात करते हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते वाले आते हैं रिजेक्ट करके चले जाते हैं और बार बार ऐसा हो रहा है, तो ऐसे सभी लोगों को समझ लेना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में जो दोष है जिनकी वजह से आप ये कष्ट झेल रहे हैं, तो शादी का लड्डू खाने के लिए और एक खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए आप अगर इन दोषों को दूर करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, और इनको दूर करने के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमसे संपर्क करके अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। यहां मैं बात करना चाहूंगा आपके भाग्य की, तो भाग्य के स्थान पर धीमे धीमे करके आपको मदद मिलती चली जाएगी, अचानक झटके से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, किंतु कार्यस्थल के हालात बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, और मैं आपको बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि आप इसके लिए भगवान शनिदेव के तांत्रिक बीज मंत्रों की कम से कम एक माला नित्य प्रति अवश्य करें, धूप दीप जलाकर स्नान इत्यादि के पश्चात विधि विधान के साथ की गई यह स्वयं की गई है माला, मैं एजेंट नहीं हूं आपका, मैं आपके लिए नहीं करूंगा, और उससे करने से आपको फायदा भी नहीं होगा, तो यह मंत्र माला आपको अभूतपूर्व लाभ प्रदान करेगी। कार्यस्थल पर जाते समय अपने पिता के श्री चरणों का आशीर्वाद लेकर ही कार्यस्थल पर जाएं, और गलती से भी किसी धर्म गुरु का अपमान, जो सच्चा धर्म गुरु है उसका उसका अपमान किसी भी हालत में ना करें, अन्यथा आपका धन संपत्ति और ऐश्वर्य स्वतः ही धीमे धीमे करके नष्ट हो जाएगा। बात करते हैं आमदनी की, तो आमदनी के सितारे अभी आपके फेवर में चल रहे हैं, तो उन सितारों को मजबूत करते चलें, उसके लिए हनुमान जी का टीका भी आपके लिए काफी काम आने वाला है। यहाँ पर मैं आप विशेष रूप से आपको एक बात कहना चाहूंगा, आपका अपना सितारा मंदिर में बैठा हुआ है, तो अगर आप मूंगे की यानी अपने राशि रतन की एक अंगूठी अपने भाग्य के रतन की अंगूठी के साथ यानी पुखराज की अंगूठी के साथ अपने हाथ में मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत कराकर सदैव धारण करेंगे, तो हमेशा आपको लाभ होता रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप जीवन साथी के रतन की भी अंगूठी अगर पहनेंगे तो आपके बीच में चल रहे विवादों में जो आपके बीच में तनाव होता है बार बार, उसमें निश्चित रूप से धीमे धीमे करके कमी आती चली जाएगी। बात करते हैं मेष राशि वाले व्यक्तियों के प्रेम संबंधों के बारे में, तो उनके प्रेम संबंध उनको आज यात्रा की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, सावधान रहें, जो भी करें सोच समझ कर करें, और जो व्यक्ति प्रेम संबंधों में निराश हो रहे हैं चाहे वो किसी भी राशि के क्यों ना हो, बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे सहायता ले सकते हैं। बात करते हैं वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, वृष राशि वाले व्यक्ति जैसा कि आप जानते हैं आपके आपके राशि में ही स्वयं शुक्र देवता शुभ होकर विराजमान है, निरंतर आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे, तो आपका
आत्मबल बहुत बढ़ चढ़ कर रहेगा, किंतु इस आत्मबल को हमेशा बनाए रखने के लिए अगर आप अपने राशि रतन की एक अंगूठी, भाग्य की रतन की अंगूठी को प्रॉपरली मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित से जागृत करवाकर अपनी जन्म कुंडली के अनुसार मतलब निश्चित कलर में, मतलब हर एक रतन के बहुत सारे कलर्स होते हैं, अगर आपको कौन सा कलर सूट करेगा उसके अनुसार बनवा कर किसी योग विद्वान से धारण करेंगे मंत्र सिद्ध कराकर, तो निश्चित रूप से आपको अभूतपूर्व लाभ होगा, आपके आत्मबल में तो वृद्धि होगी होगी, आपके धन धान की कभी भी कमी नहीं होने देंगे ये। किंतु ध्यान है, ये इन अंगूठियों की एक लाइफ होती है, उपरतन की लाइफ 1 साल और असली रतन की लाइफ 3 साल होती है, बेशक वो हीरे की अंगूठी ही क्यों ना हो, तो आपको हर 3 साल बाद नई अंगूठी नया रतन लेकर बनवानी ही पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि आप स्पेशली पहन रहे हैं, हमारे देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, सभी एक्टर एक्ट्रेसें समय समय पर इन अंगूठियों को धारण कर अपने भाग्य में निरंतर वृद्धि करते रहे। बात करते हैं परिवारजनों के साथ कुछ अड़चनें आ सकती हैं, भाई बहनों के साथ कुछ परेशानियां आपकी माता के प्रयास से दूर हो सकती हैं, तो माता का आशीर्वाद निरंतर लें ताकि आपके परिवारजनों और आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में स्थिरता आए, शुभता आए और आप आगे बढ़ सकें। यहाँ पर माता की वजह से किसी यात्रा की संभावना, माता के साथ जाकर किसी यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंट से कहना चाहेंगे अपने फोकस को पढ़ाई लिखाई में लगाएं, क्योंकि आप नहीं लगा रहे हैं इसलिए ये बात हम कह रहे हैं। अगर आप पढ़ाई लिखाई में फोकस नहीं लगाएंगे तो आगे चलकर क्या करेंगे, कैसे अपने कैरियर को बना पाएंगे, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। तो फोकस करिए अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अगर हमारी कोई मदद की जरूरत है तो हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं, अच्छे नंबर दिलवाने के लिए और पढ़ाई लिखाई में मन लगवाने के लिए। बात करते हैं आपके जीवन साथी से संबंधित, तो जीवन साथी के साथ जैसा कि आप जानते हैं आपके रिश्ते सदैव ही तनावपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जीवन साथी की जो आदत है उसके जो कटु व्यंग है वो आपको भी अंदर तक आहत कर देते हैं, मगर आप अपने मान सम्मान की बलि न देते हुए कंप्रोमाइज करते हैं अपने जीवन साथी के साथ, अंततः तनाव में रहते हैं। तो यहां आपका जीवन साथी फिलहाल अगर हम आजकल की बात करें तो कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ लाभ देता हुआ नजर आ रहा है आपका जीवन साथी, इस लाभ को उठाकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट या दुर्घटना से बचने के लिए भरपूर सावधान रहें, भाग्य के हालात धीमे धीमे करके आपके फेवर में होते जाएंगे, सावधान रहें, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं भाग्य की वजह से, आपका सावधान रहना और इसी वजह से भाग्य की अंगूठी पहनना आपके लिए अत्यंत हितकारी होगा। बात करते हैं कार्यस्थल के हालात भी, आपको मजबूत बनाने के लिए जो भाग्य की अंगूठी है वो बहुत काम आने वाली है। अंततः आमदनी के हालात, क्योंकि आपके जीवन साथी की मदद से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं तो उनको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। और बात करते हैं वृष राशि के उन व्यक्तियों के बारे में जो प्रेम संबंधों में निराशा का अनुभव कर रहे हैं, या कोई और राशि के व्यक्ति हो प्रेम संबंधों में निराशा का अनुभव कर रहे हैं, तो बिना किसी झिझक के वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय, जिसमें आपको कोई बकरों की बलि नहीं देनी है, कोई उल्लू की बलि के नाम पर उल्लू नहीं बनना है, कोई किसी पाखंडी के द्वारा पूजा पाठ के ढोंग और प्रपंच में नहीं फंसना है, छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय जो आपके हाथों में ही रहते हैं, उन उपायों के द्वारा आप अपने जीवन में धीमे धीमे करके सुख शांति और अपने प्रेम संबंध में स्थिरता और मजबूती ला सकते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण बना सकते हैं, लाइफ लॉन्ग तक चला सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, मिथुन राशि वाले व्यक्ति जैसा कि स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं बहुत सारी उलझने आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, एक उलझन खत्म नहीं होती उससे पहले दूसरी उलझन आके शुरू हो जाती है, और इस उलझनों से कैसे पार पाएंगे, बार बार ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम कोई ना कोई प्रॉब्लम। मैं अगर आपको सलाह दूं तो मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा, आप अपने राशि रतन की अंगूठी, भाग्य के रतन की अंगूठी के साथ और जीवन साथी की रतन की अंगूठी के साथ आप सदैव अपने हाथ में धारण कर आनंद का अनुभव करें, समय समय पर इन अंगूठियों को बदलते रहें, यानी नया नग नई अंगूठी बनवा कर धारण करें। उपरतन की लाइफ 1 साल होती है मंत्र सिद्ध होने के बाद, और असली रतन की लाइफ चाहे वो पुखराज हो या नीलम हो 3 वर्ष से ज्यादा कभी नहीं होती, तो इन्हें अपने समय पर चेंज करें, इनको दोबारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये बात दृढ़ता पूर्वक समझ लें, वरना वो आपको कोई फायदा नहीं देंगे, ये तो मरा हुआ सांप आप गली में लपेट लेंगे, वो वाली हालत होगी। तो परिवारजनों का साथ
निश्चित रूप से आपके भाई बहनों के साथ जुड़कर आपको लाभ प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है। माता के साथ कुछ परेशानी आ सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई से हटकर विपरीत सेक्स की ओर आकर्षित हो रहा है। उनके माता पिता और स्टूडेंट स्वयं ध्यान दें, फोकस को पढ़ाई लिखाई पर लगाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आगे चलकर क्या बनेंगे, कैसे अपना करियर बनाएंगे। ये बहुत गोल्डन चांस है फिर आपकी लाइफ का, इसे व्यर्थ मत करिएगा। फिर भी इसमें अच्छे नंबर लाने के लिए या पढ़ाई लिखाई में मन लगाने के लिए आप हमारी सहायता ले सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे नंबरों के द्वारा। बात करते हैं जीवन साथी के साथ लगातार तनावपूर्ण संबंध आपके जीवन में और अधिक परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ससुराल पक्ष से मिक्स अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की खबरें आपके लिए वेट कर रही हैं। भाग्य के हालात की बात करें तो भाग्य के हालात अभी ठीक नहीं है। अपने भाग्य को उत्तम बनाने के लिए आप सदैव, जैसा मैंने पहले कहा है, भाग्य के रतन यानी नीलम की अंगूठियां हमेशा धारण करें, मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित कराकर, मगर नीलम का कलर प्रॉपर आपकी जन्म कुंडली के कलर के अनुसार ही होना चाहिए। बात करते हैं कार्यस्थल के हालात में, निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा करके अच्छा होने का प्रयास हो रहा है। आप कार्यस्थल पर अपने पिता के श्री चरणों का आशीर्वाद लेकर ही जाएं, निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यहां मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके पास अपना मकान, दुकान, ऑफिस को दुकान या शोरूम नहीं है, आप हर महीने किराया देकर परेशान हो रहे हैं, तो इस विषमता से बचने के लिए, किराएदारी के झंझट से मुक्ति पाने के लिए अपने कुछ ग्रहों को मजबूत अवश्य करें, ताकि आप शीघ्रता शीघ्र अपना खुद का दुकान, ऑफिस, गोडाउन या शोरूम, फैक्ट्री आदि खरीदने में समर्थ हो सके। अगर इसमें हमारी मदद की जरूरत है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें, निश्चित रूप से आपकी मदद कर आपके जीवन में खुशियां प्रदान करने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं आमदनी के हालात की, तो आमदनी के हालात निश्चित रूप से आपके कर्म पर डिपेंड करते हैं। जितनी मेहनत करेंगे उतनी आमदनी करने में आप इस समय समर्थ हैं। मेहनत को बढ़ाइए, आमदनी भी अपने आप ही बढ़ जाएगी। बात करते हैं खर्चों की, तो आप अपने प्रेम पर खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहां मैं विशेष रूप से बात करूंगा, जो व्यक्ति अपने प्रेम संबंधों में निराशा का अनुभव कर रहा है, चाहे उसकी निराशा लड़ाई झगड़ों की वजह से, शादी ना हो पाने की वजह से हो, कोई उनके प्यार को छीन रहा है या उनके प्यार को खराब करने की कोशिश कर रहा है, या शादी ना हो पाने की वजह से हो, कोई भी कारण क्यों ना हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में अभूतपूर्व खुशियां भर सकते हैं। और इसी वजह से हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर मंत्री तक या बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स या एक्टर एक्ट्रेसेस भी समय समय पर इन अंगूठियों का इस्तेमाल कर अपने भाग्य में वृद्धि करते हैं। इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिएगा और अपने जीवन में कामयाब होने की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। बात करते हैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्तियों, आपके परिवारजन आपको निश्चित रूप से लाभ प्रदान करते हुए आ रहे हैं, आपके आत्म में वृद्धि प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनके साथ वैचारिक मतभेद आपको परेशानी खड़ी कर सकते हैं, हो सकता है उनके ऊपर आपको खर्चा भी करना पड़े। बात करते हैं भाई बहनों के साथ आपके संबंधों की, वहां भी विषमताएं, परेशानियां और विवाद आपको परेशान कर सकते हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें। माता के साथ आपके संबंध, निश्चित रूप से अगर आप उनको आशीर्वाद लेकर कोई कार्य आरंभ करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको लाभ होगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स अपने फोकस को पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें, अन्यथा अपने कैरियर को बनाने में असमर्थ हो जाएंगे। आज का जो गोल्डन चांस है आपके लिए कैरियर बनाने के लिए, इस विषय वस्तु से भटके नहीं। अगर आपको हमारी मदद की जरूरत है तो हम निश्चित रूप से आपकी स्क्रीन पर दिए नंबरों पर आपके अच्छे नंबर के लिए या आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगाने के लिए गारंटी से हाजिर है। बात करते हैं शत्रुओं की, तो कुछ ना कुछ शत्रु आपका नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आपको प्रेम को छीनने का प्रयास करेंगे, आपके स्वास्थ्य को भी जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें ऐसे शत्रुओं से, और नहीं सतर्क रह पा रहे तो आप हमारी सहायता ले सकते हैं। बात करते हैं जीवन साथी के साथ, कुछ विषम परिस्थितियों की वजह से आप और आपके जीवन साथी के मध्य मतभेद निरंतर उभरते रहेंगे, तो अपने जीवन साथी से संबंधित रतन की अंगूठी अपने भाग्य के रतन के साथ और अपने राशि रतन के साथ पहनना आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा, बशर्ते ये मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित, जागृत हो समय समय पर, यानी 1 साल और 3 साल बाद असली और उपरतन की दिशा में इनको नई बनवाकर पहनिए। दोबारा से रिचार्ज इत्यादि के शब्द इनके लिए इस्तेमाल नहीं होते और नहीं की जा सकती है, दोबारा मंत्रित नहीं होती है कोई भी चीज।
झूठी हो जाती है कभी। बात करते हैं वाहन चलाते समय सावधानी अवश्य बरतें वरना एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है इन दिनों के दौरान। भाग्य के हालात सुधारने के लिए जीवन साथी का सहारा लेकर चलें, धीमे धीमे करके हालात में सुधार आएगा। कार्यस्थल के हालात में कुछ प्रॉब्लम आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, सावधान रहें, सतर्क रहें। किंतु आमदनी में माता का आशीर्वाद मिला हुआ, लेकिन खर्चे उससे ज्यादा होने की वजह से आपका मानसिक संतुलन परेशानी वाला हो सकता है, सावधान रहें। और मैं आपको बात करना चाहूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो कर्क राशि वाले, आपके प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा निराशा, कटुता और तनाव आया हुआ है। अपने प्रेम संबंधों को ठीक करने के लिए, उनमें खुशियां लाने के लिए, उनको शादी में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें छाई निराशा, लड़ाई झगड़े या और किसी परेशानी को दूर करने के लिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय का सहारा लेकर अपने जीवन में खुशियां ला सकती हैं, जिसके लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें। यहाँ आपको कोई उल्लू की बलि नहीं देनी है, मुर्गों की बलि नहीं देनी है, कोई बकरों की बलि नहीं देनी है, या पूजा पाठ के कोई पाखंडी के द्वारा किए गए पूजा पाठ के नाम पर प्रपंच नहीं करवाना है। प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके जीवन में खुशियां दे सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्तियों, निश्चित रूप से आपको कहीं यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, किंतु आपका अपना जो बेसिक प्लानेट है वहां पर प्रॉब्लम नजर आ रही है। आपकी राशि के मालिक सूर्यदेव राहु के साथ बैठने की वजह से व्यथित हैं, परेशान हैं। आप उनको बल प्रदान करिए। उनको बल प्रदान करने के लिए आप उनके तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला कम से कम नित्य प्रति स्नान इत्यादि के पश्चात धूप दीप जलाकर विधि विधान से करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। तो उसके पश्चात आप उन्हें जल का अर्घ गुड़ और रोली मिलाकर तांबे के लोटे या पीतल के लोटे से अवश्य दें। बात करते हैं परिवारजनों के साथ आपके संबंध निश्चित रूप से कुछ परेशानी वाले हो सकते हैं, उसको ठीक करने का प्रयास करिएगा, अन्यथा आपको नुकसान होगा, आमदनी का नुकसान। बात करते हैं भाई बहनों के साथ आपके संबंधों के बारे में, तो भाई बहनों के साथ आपके संबंध निश्चित रूप से आपके कार्यस्थल पर आपकी वृद्धि कर रहे हैं। तो आप कार्यस्थल पर, यानी चाहे आप नौकरी पेशा हैं या व्यापारी हैं, अगर कार्यस्थल पर अपने उनकी भाई बहनों की सलाह मानकर कुछ चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। बात करते हैं माता के साथ, कतई विवाद करने का, झगड़ने का प्रयास ना करें। कितनी भी वो आपको अपशब्द बोलें, आप उनको चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेने का ही प्रयास करें। स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई लिखाई पर, सावधान रहें, सतर्क रहें। और जो स्टूडेंट अपना कैरियर बनाने में के लिए पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं या पढ़ाई लिखाई में मन लगाना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर गारंटी के साथ हमसे हेल्प ले सकते हैं। बात करते हैं कुछ शत्रु पक्ष की, तो शत्रु पक्ष निश्चित रूप से आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है, आपको सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। और बात अगर हम करते हैं जीवन साथी के साथ, तो कुछ तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनको परेशानी हो सकती है, उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। और यहां मैं बात करना चाहूंगा उन निसंतान दंपतियों के बारे में, जिनकी शादी के बहुत साल बाद भी बार बार लगातार इलाज कराते रहने के बावजूद संतान नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे यह समय आपके लिए दवाओं का नहीं दुआओं का ज्यादा है। तो ऐसी दुआओं के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क करें। हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों से आपके घर परिवार में संतान रूपी खुशियां लाने का शीघ्रता शीघ्र प्रयत्न करेंगे। उसके लिए आज की पार नंबर पर आप अपॉइंटमेंट बुक कराकर हमसे लाभ ले सकते हैं। बात करते हैं वाहन चलाते समय सावधानी का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा भारी परेशानी हो सकती है। भाग्य के हालात आपके पक्ष में नहीं है, शुभता नहीं प्रदान कर रहे हैं, इसलिए आपको तो अपने राशि रत्न की, भाग्य के रत्न की और जीवन साथी, क्योंकि आपके साथ बार बार वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो जीवन साथी से संबंधित रत्न की अंगूठियों को आप मंत्र से, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत कराकर सदैव अपने हाथ में धारण करेंगे तो आप ही के लिए बहुत बेहतर होगा। आपकी सारी परेशानियां तो यूं ही गायब हो जाएंगी, वैसे ही आपके दुश्मन कम नहीं होते कार्यस्थल पर। सावधान रहें, सतर्क रहें। और यह मैं बात करना चाहूंगा आमदनी के बारे में, सावधान रहें।
आमदनी से ज्यादा खर्चा भी हो सकता है, तो बेहतर होगा कि इसके साथ साथ आप आमदनी के रत्न की भी एक अंगूठी, यानी पन्ने के रत्न की भी एक अंगूठी अगर मंत्र से कराकर धारण करें। यहाँ पर एक बात अवश्य जान लें कि असली रत्न की अंगूठी 3 वर्ष तक और उप रत्न की अंगूठी 1 साल तक काम करती है, इनको दोबारा मंत्र सिद्ध नहीं किया जा सकता, अतः नई ही अंगूठियां हर तरीके से बनवानी पड़ती है और मंत्र सिद्ध करानी पड़ती है। बात करते हैं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के प्रेम संबंधों के बारे में। यहाँ पर प्रेम संबंधों में निराशा और परेशानी, लड़ाई झगड़े होते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने प्रेम संबंधों में खुशियां लाने के लिए कोई आपसे आपका प्रेम ना छीन ले जाए, इस बात के लिए, आपके प्रेम संबंधों में तनाव ना आए और शादी में कन्वर्ट हो सके, इस बात के लिए आप चाहें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हमारे द्वारा सहारा ले सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्ति स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं कि आपका ग्रह वक्री होने की वजह से कुछ ना कुछ परेशानी का तो अनुभव आप स्पष्ट रूप से करेंगे और विशेषकर कार्यस्थल पर यह परेशानी आपके लिए यकायक बढ़ जाएगी, यानी कार्य में आपकी नुकसान होगा। तो बेहतर ये होगा कि अभी की स्थिति या पूरे जीवन भर इन स्थितियों से बचे रहने के लिए आप अपने राशि रत्न की, अपने भाग्य के रत्न की अंगूठी को और अपनी जो आमदनी के रत्न की अंगूठी को जीवन भर मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित जागृत कराकर पहनते रहें और हर 1 साल बाद उपरत्न को और असली रत्न को हर 3 साल बाद चेंज करते रहें, इनको दोबारा से मंत्र से नहीं कर सकते। ऐसा करना आपके लिए बहुत हितकारी होगा। अगर ऐसी अंगूठियाँ नहीं मिल पा रही तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर घर बैठे अंगूठियों को हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं परिवारजन निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद देकर आगे बढ़िए। भाई बहनों का साथ निश्चित रूप से आपको मदद करता हुआ नजर आ रहा है, जीवन साथी के साथ तो आप उस उनका साथ लेकर अपने बाहुबल में वृद्धि करिए। जीवन साथी आपके जीवन में खुशियां प्रदान कर रहे हैं और कोई अड़चन आती है तो जीवन साथी के रत्न की भी अंगूठी धारण करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा अगर आपके बीच में तनाव और लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स का फोकस पढ़ाई लिखाई में समय नहीं लग रहा है। स्टूडेंट्स को अपना फोकस पढ़ाई लिखाई में केंद्रित करने के लिए और अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए अगर चाहें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सारा गारंटी से ले सकते हैं हमारे द्वारा, जिसके लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं जीवन साथी के साथ आपके संबंधों की, तो जीवन साथी के साथ इस समय आपके संबंध निश्चित रूप से आपको लाभ प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनका सहारा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। भाग्य पूरी तरीके से आपके साथ है। कार्यस्थल के हालात में निश्चित रूप से कुछ अड़चन है, अपने पिता के चरणों का स्पर्श कर निरंतर आनंद का अनुभव करिए कार्यस्थल पर जाने से पहले और उनका आशीर्वाद लेकर ही जाइएगा। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे, राहु महाराज क्योंकि वहां बैठे हुए हैं आपके कार्यस्थल पर, तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कोई ना कोई आपका दुश्मन आपके घर पर और कार्यस्थल दोनों पर ही आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो अपने दुश्मनों से बचने का प्रयास करें, आपके दुश्मन आपको नुकसान ना कर सके। आमदनी के हालात निश्चित रूप से खर्चे में तब्दील होते जा रहे हैं, व्यर्थ की यात्रा भी करनी पड़ सकती है और आपको परेशानी भी हो सकती है, तो जो भी करें सोच समझ कर करें, सावधान रहें। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ विशेष बात उन व्यक्तियों के बारे में जिनके पास अपना मकान नहीं है या दुकान ऑफिस शोरूम गोडाउन इत्यादि नहीं है, जिसका वो हर महीने किराया भर भर कर परेशान है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए अपना स्वयं का मकान खरीद पाने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा अवश्य लें। निश्चित रूप से धीमे धीमे करके वो अपना मकान दुकान ऑफिस शोरूम गोडाउन खरीदने में समर्थ हो सकेंगे और इसके लिए अगर आपको हमारी मदद की जरूरत है तो स्क्रीन पर आए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के प्रेम संबंधों के बारे में, तो कन्या राशि वाले व्यक्ति यानी युवक और युवतियाँ अपने प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट करने के लिए सही समय हिट करिए, चौका मारिए और शादी में कन्वर्ट कर लीजिए, आपके लिए शुभ समय इस पर्टिकुलर बात के लिए। बात करते हैं तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, तुला राशि वाले व्यक्तियों जैसा कि हालात बता रहे हैं आपका जो समय है आपको बदनामी दिला रहा है, सावधान है बदनामी से, परिवारजनों का साथ निश्चित रूप से आपको आपकी एजुकेशन में मदद करेगा, उनका सहारा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। भाई बहनों के साथ अपने विवादों को कम करते हुए उनका उन्हें अपना बाहुबल बनाने का प्रयास करें, उनसे झगड़ने का प्रयास करना आपके लिए हित में नहीं होगा।
बात करते हैं माता के साथ, तो माता के साथ भी उनका आशीर्वाद लेकर ही चलें, क्योंकि माता के साथ थोड़ी प्रॉब्लम इस समय आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप भगवान शनिदेव के मंत्रों का जाप कर, तांत्रिक मंत्रों का जाप कर उनको खुशियां दे सकते हैं या उस रिश्ते में आ रहे विरोधाभास को दूर कर सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स हर तरीके से कोशिश करें मन को पढ़ाई लिखाई में लगाने के लिए, क्योंकि यही कैरियर बनाने का उत्तम समय है। फिर भी अगर आपको हमारी मदद की जरूरत है, हम सदैव आपके लिए हाजिर हैं। बात करते हैं जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में, जैसा कि आप जानते हैं अक्सर तनाव रहता है, बात बढ़ते बढ़ते पड़ोसी पड़ोसी से होते हुए थाने कोर्ट कचहरी पहुँच कर तलाक की नौबत तक आ जाती है। तो अपने संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करें और जरूरत पड़ने पर अपने जीवन साथी से संबंधित रतन की अंगूठी, मगर अपनी अंगूठी, अपनी राशि रतन की अंगूठी और अपने भाग्य की रतन की अंगूठी के साथ पहनना आपके लिए बहुत हितकारी होगा। सदैव इन अंगूठियों को अपने हाथ में धारण करें, समय समय पर यानी उपरतन को 1 साल बाद, असली रतन को 3 साल बाद अवश्य ही बदलते रहना चाहिए। इनको रिचार्ज या दोबारा मंत्र सिद्ध नहीं किया जा सकता है, वरना आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपको नई खरीद के ही पहननी पड़ेंगी दोबारा से। तो बात करते हैं कार्यस्थल के हालात की, तो कार्यस्थल के हालात जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही आमदनी आप कर पाएंगे, ऐसा स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं तुला राशि वाले व्यक्तियों की प्रेम संबंधों के बारे में, तो उनके लिए प्रेम संबंधों के मसले में बड़ा अच्छा समय चल रहा है। अगर वो चाहें तो अपने प्रेम संबंधों को इस समय पर शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, शादी का लड्डू खा सकते हैं। किंतु अगर आपको किसी प्रकार की निराशा या परेशानी का अनुभव हो रहा है, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर छोटे छोटे उपायों के द्वारा अपने जीवन में, अपने प्रेम संबंधों में खुशियां ला सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों आपका जो समय चल रहा है उसके अनुसार आप अगर पढ़ाई लिखाई में अगर आप स्टूडेंट हैं तो फोकस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए समय अच्छा हो सकता है। बात करते हैं परिवारजनों का साथ, निश्चित रूप से कुछ परेशानी के बाद अचानक से आपको लाभ भी दे सकता है और फायदा पहुंचा सकता है। अपने परिवारजनों को खुश रखने का प्रयास करें, गलती से भी किसी धर्मगुरु का अपमान ना करें, ऐसा करना आपका धन संपत्ति ऐश्वर्य तीनों को ही धीमे धीमे करके नष्ट कर देगा। बात करते हैं भाई बहनों के साथ आपके संबंधों की, तो भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में सुधार करने का प्रयास करिएगा। और यहाँ में जब भाई बहनों की बात आ रही है तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप में से किसी भी व्यक्ति के, किसी भी राशि के क्यों ना हो, आप किसी के साथ भी संबंध खराब है, यानी माँ के साथ, भाई बहनों के साथ, पिता के साथ आपके अपने संबंध खराब है लड़ाई झगड़े की वजह से, या आपको लग रहा है कोई परेशानी हो रही, तो आप उन संबंधों को बहुत छोटे छोटे वैदिक उपायों के द्वारा ठीक कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। बात करता हूं माता का आशीर्वाद लेकर ही आगे चलिएगा। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अब धीमे धीमे उनका फोकस पढ़ाई लिखाई में होने लगेगा। किंतु जो व्यक्ति निराश है अच्छे नंबर ना आने से या उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर गारंटी से हमारी हेल्प ले सकते हैं। बात करते हैं जीवन साथी के साथ, जीवन साथी अब आपको बहुत खुशियां देगा, बहुत रोमांटिक अनुभव कराएगा इस समय का, अत्यंत लाभ उठाकर अपने जीवन को खुशी से भरपूर कर सकते हैं। बात करते हैं ससुराल पर से कुछ शुभ कुछ अशुभ सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। भाग्य के हालात आपको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें, फिर भी भाग्य आपको कहीं ना कहीं आपके कर्म स्थान पर आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा और उसकी वजह से आपको यात्रा करने की संभावना भी कार्य की वजह से बनती हुई नजर आ रही है। आमदनी के हालात आपके लिए अच्छे नहीं है, सावधानी बरतने में ही अत्यंत भला होगा। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप अपने राशि रतन की अंगूठी, अपने भाग्य के रतन की अंगूठी के साथ और अपने जीवन साथी के रतन की अंगूठी के साथ धारण करेंगे, तो निश्चित रूप से आप आजीवन खुश रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको सब खुशियां धीमे धीमे करके प्राप्त होती रहेंगी। अगर हाँ आमदनी की अंगूठी साथ में पहने तो और अधिक अच्छा होगा। ध्यान है इन अंगूठियों की लाइफ मैक्सिमम 1 साल और 3 साल होती है, हर 3 साल बाद असली रतन को और 1 साल बाद उपरतन की अंगूठी को नया बनवा कर ही पहनना होता है, दोबारा ये मंत्र सिद्ध नहीं हो सकती। यहां मैं बात करना चाहूंगा वृश्चिक राशि के व्यक्तियों के प्रेम संबंधों के बारे में, तो यहाँ मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप अगर अपने प्रेम संबंधों में लड़ाई झगड़े को समावेश पा रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमारी मदद लेकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने प्रेम संबंधों को मजबूत बना सकते हैं, खुशियां ला सकते हैं, लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकते हैं, उन्हें शादी में भी कन्वर्ट करने का प्रयास कर सकते हैं।
बात करते हैं धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। धनु राशि वाले व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, गलती से भी किसी धर्म गुरु का अपमान करने का प्रयास ना करें। अगर वो धर्म गुरु सच्चा हुआ तो आपका धन संपत्ति ऐश्वर्य स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। परिवारजनों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करें। हालांकि मैं जानता हूं परिवारजनों के साथ आपके संबंध में कुछ अड़चन आती हुई नजर आ रही है, उस अड़चन को दूर करने के लिए अगर आप शनि भगवान के तांत्रिक बीज मंत्रों का विधि विधान के साथ स्नान के पश्चात धूप दीप जलाकर एक कम से कम एक माला का जाप करेंगे तो आपको अत्यंत लाभ होगा। भाई बहनों के साथ भी आप संबंधों में इसी चीज से लाभ हो अवश्य होगा। माता के साथ माता का आशीर्वाद लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा। माता निश्चित रूप से आपको मदद करती हुई नजर आ रही है। यहाँ मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा जिन व्यक्तियों के पास अपना वाहन या मकान नहीं है, किराएदारी के झंझट से परेशान है, चाहे दुकान के लिए, चाहे ऑफिस के लिए, चाहे गोडाउन के लिए आपको लगातार किराया देना पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति अपने ग्रहों को ठीक करके अपने जीवन में सुख स्वयं का मकान, दुकान, ऑफिस, शोरूम या गोडाउन खरीद सकते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से पर। और मैं विशेष रूप से यहाँ धनु राशि वाले व्यक्तियों से कहना चाहूंगा कि आपकी स्थिति बार बार डावाडोल होती है, तो आप क्यों नहीं अपने राशि रत्न की अंगूठी, अपने भाग्य के रत्न की अंगूठी के साथ और अपने आमंत्रण के रत्न की अंगूठी के साथ अपने हाथ में मंत्र सिद्ध पाठ पत्र से जागृत कराकर दान करते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां लगातार बनी रहेंगी। अगर ऐसी अंगूठी आपको नहीं मिल पा रही है तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमारे द्वारा आपके नाम से मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठ जागृत कराकर ये अंगूठियां आपके घर पर भेज दी जाएंगी, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। बात करते हैं इंपोटेंसी से संबंधित, तो नपुंसकता की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, आपके पारिवारिक जीवन को तहस नहस कर सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी योग्य चिकित्सक से इसका इलाज कराएं या आप चाहें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी इसमें हमारी हेल्प ले सकते हैं। बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य के हालात आपको अनुकूल होते हुए नजर आ रहे हैं, धीमे धीमे करके आपको मदद मिलती नजर आ रही है भाग्य से, किंतु यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी का सहारा लेना अत्यंत आवश्यक है। बात करते हैं कार्यस्थल के हालात की, तो कार्यस्थल के हालात निश्चित रूप से आपको जीवन साथी के द्वारा मदद कर सकते हैं, किंतु मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि यहाँ जीवन साथी के रतन की अंगूठी को पहनना अत्यंत आवश्यक है। आमदनी के हालात में सुधार नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आपको लगातार आती जा रही हैं और बीमारी पर पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। सावधान रहें, सतर्क रहें। और धनु राशि वाले व्यक्तियों, अगर मैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में बात करूं तो अपने माता का आशीर्वाद लेकर इस विषय में आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा, किंतु फिर भी अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर अपने प्रेम संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, खुशियां ला सकते हैं अपने जीवन में, जिसके लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे मदद ले सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्ति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है कि आपकी मानसिक स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं, कष्टों में आ सकते हैं। अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करिएगा। भगवान शनिदेव के तांत्रिक बीज मंत्रों का एक माला का जप आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। नित्य प्रति स्नान के पश्चात विधि विधान के साथ इस माला का जप करें। अगर ये मंत्र माला या जप विधान आपके पास नहीं है तो ईमेल भेजकर आप हमारे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मंगवा सकते हैं। बात करते हैं परिवारजनों के साथ आपके संबंध निश्चित रूप से आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं। भाई बहनों का साथ आपके लिए कुछ लाभ की संभावना बना रहा है। अपने बाहुबल में अपने भाई बहनों का साथ लेकर वृद्धि निरंतर करते रहिएगा, उनसे झगड़ने का प्रयास नहीं करिएगा। बात करते हैं माता के साथ, तो माता निश्चित रूप से परिवारजनों के साथ मिलकर आपको लाभ देती हुई नजर आ रही है। और जो स्टूडेंट हैं उनका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल स्ट्रांगली लगा हुआ है, वो इसी प्रकार पढ़ाई लिखाई में मन लगाते रहे, निश्चित रूप से आगे चलकर उनको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि आजकल जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो आपके काम आने वाला है। बात करते हैं शत्रुओं की, तो बहुत सारे शत्रु अचानक से आपको नुकसान पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ शत्रुओं से बचने का भरपूर प्रयास करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसके प्रारंभ नंबरों पर हमारी मदद भी ले सकते हैं शत्रुओं से बचने के लिए। जीवन साथी के साथ आपको कोई यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, कुछ मानसिक उलझने भी हो सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। और बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य के हालात निश्चित रूप से आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, भाग्य आपको बीमार बना रहा है, तो अपने भाग्य को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आप अपने राशि रतन की अंगूठी को भाग्य के रतन एवं जीवन साथी के रतन की अंगूठी के साथ धारण करेंगे, आमंत्रण की अंगूठी भी अगर साथ में पहनेंगे तो आपको अत्यंत लाभ होगा।
और आप ही क्यों पहनेंगे, हमारे देश में तो समय समय पर हमारे राष्ट्रपतियों ने, प्रधानमंत्रियों ने, मंत्रियों ने, सभी एक्टर्स ने, बड़े बड़े जिनको भी आप जानते हैं और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स ने भी इन अंगूठियों को, रत्नों की अंगूठियों को धारण कर अपने भाग्य में समय समय पर वृद्धि की है। आप क्यों नहीं कर सकते? बात करते हैं मकर राशि वाले व्यक्तियों के प्रेम संबंधों के बारे में, तो आपके प्रेम संबंध आपके जीवन में खुशियां लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इन खुशियों को और अधिक वृद्धि प्रदान कर आप आनंदित हो सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुंभ राशि वाले व्यक्ति, जैसे कि आप जानते हैं, हालात आपके अनुकूल धीमे धीमे करके हो रहे हैं, किंतु आप इसमें शीघ्रता चाहते हैं, तो आप अपने राशि रत्न की अंगूठी को, भाग्य के रत्न की अंगूठी और आमंदनी के रत्न की अंगूठी के साथ अगर धारण करेंगे, तो निश्चित रूप से धीमे धीमे करके आपके जीवन की सारी परेशानियां कम होती चली जाएंगी। मगर ध्यान रहे, अंगूठी प्रॉपरली मंत्र से, प्राणपति से जागृत होनी चाहिए और हर 3 वर्ष बाद असली रत्न को और 1 वर्ष बाद उप रत्न की अंगूठी को बदल देना चाहिए, नई बनवा कर पहनना चाहिए, नहीं दोबारा से मंत्र सिद्ध नहीं किया जा सकता है, अन्यथा ये कोई फायदा नहीं देंगी। अगर ऐसी अंगूठी आपको नहीं मिल रही, तो घर बैठे हमारे स्वयं के द्वारा मंत्र सिद्ध की गई ये अंगूठियां अपने साइज में बनवा कर आप पूरी दुनिया में कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं माता की, तो माता निश्चित रूप से आपको भरपूर आशीर्वाद दे रही है, उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। माता का आशीर्वाद आपके भाग्य में भी वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई से एकदम विरक्त होता है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, उनके सामने अंधकार छाया हुआ है, किस रास्ते पर चले उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा निराश हो रहे हैं स्टूडेंट्स। निराशा से बाहर निकलिए, हम गारंटी से न सिर्फ आपका मन वापस पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे, बल्कि हर बार पहले से ज्यादा नंबर दिलवाएंगे, जिसके लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क करें। बात करते हैं उन व्यक्तियों से के बारे में जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी का लड्डू नहीं चखा। क्यों? क्योंकि रिश्ते वाले आते हैं, रिजेक्ट करके चले जाते हैं, और बार बार अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि कहीं ना कहीं गृह दोषों में अड़चन है, ग्रहों के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो उन ग्रहों को ठीक करें। उसके लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर अपनी कुंडली दिखाकर हमसे मदद ले सकते हैं और सुंदर सा जीवन साथी प्राप्त कर अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। बात करते हैं भाग्य की हालत की, तो भाग्य की हालत माता के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं और इसी प्रकार फलते फूलते रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। अगर हम बात करते हैं संतान की, तो जो व्यक्ति संतान ना होने से परेशान है, डॉक्टर के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, तो उन सभी लोगों को समझ लेना चाहिए अब आपको दवाओं से ज्यादा दुआओं की जरूरत है। तो ऐसी दुआओं के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर एक बार अपनी जन्म कुंडली और अपने जीवन साथी की जन्म कुंडली टाइम लेकर हमें अवश्य दिखाएं। हम निश्चित रूप से पूरा प्रयास करेंगे कि आपके घर आंगन में संतान रूपी खुशियां खेलने लगे। खर्चे थोड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कार्यस्थल के हालात निश्चित रूप से आपके परिवारजनों के आशीर्वाद से आपको लाभ प्रदान करेंगे, उनकी सलाह मानकर कार्यस्थल पर जो भी आप चेंज करेंगे, तो आपको लाभ होगा। बात करते हैं आमदनी के हालात की, तो धीमे धीमे करके आपके फेवर में होने लगेंगे और आपको अचानक से लाभ भी हो सकता है। यहाँ मैं आपको एक चीज वार्निंग के तौर पर दे रहा हूँ, गलती से भी झूठी गवाही देना और कोर्ट कचहरी से बचने का प्रयास अवश्य कीजिएगा, ऐसा करना नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। और बात करते हैं कुंभ राशि वाले उन व्यक्तियों के बारे में जो अपने प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा निराश है, तो उनको ये समझ लेना चाहिए, निराशा से बाहर आए, इस समय तो मौका है, आप अपने प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप प्रयास तो करिए। और फिर भी अगर आपको निराशा ज्यादा ही लग रही है प्रेम संबंधों में, चाहे आप किसी भी राशि के क्यों ना हो, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमारी मदद लेकर अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, गलती से भी किसी धर्म गुरु का अपमान करने का कभी भी प्रयास न करें। अगर वो धर्म गुरु सच्चा हुआ, तो स्वतः ही आपका धन ऐश्वर्य और संपत्तियां धीमे धीमे करके नष्ट हो जाएंगी। परिवारजन निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। भाई बहन निश्चित रूप से आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, उनका भी साथ लेकर अपने बाहुबल में वृद्धि करें, निश्चित रूप से वो आपको लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। माता का साथ थोड़ी सी अड़चनों के बाद उनका आशीर्वाद लेकर आप प्राप्त कर सकते हैं, वहां निश्चित रूप से कुछ अड़चन दिखाई दे रही है। और मैं यहाँ एक बात आपको कहना चाहूंगा कि इस समय पर अगर आप वाहन मकान इत्यादि से संबंधित कुछ करने जा रहे हैं, तो आप इस समय ना करें, मुलतवी कर दें। बात करते हैं उन व्यक्तियों के बारे में
जो स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो जो अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं या पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा, तो हम गारंटी लेते हैं इस बात के लिए कि हम आपको अच्छे नंबर ना दिलाएंगे और आपका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा, जिसके लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमारी मदद ले सकते हैं। बात करते हैं कुछ परेशानी, लंग्स की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम होने की संभावना बन रही है, आपको सतर्क रहना है, बाहर निकलने से पहले बिल्कुल सावधान रहें, समय हालात बिल्कुल आपके फेवर में नहीं है इस पर्टिकुलर बात के लिए, तो सांस के प्रति सचेत कर रहे हैं हम आपको। बात करते हैं जीवन साथी के साथ आपके संबंध में अड़चन आती है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, सावधान रहें, सतर्क रहें। भाग्य के हालात निश्चित रूप से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मजबूत बना रहे हैं, किंतु कार्यस्थल के हालात को ठीक करने के लिए आप अपने पिता का आशीर्वाद नीति प्रति अवश्य लें और किसी भी धर्म गुरु का गलती से भी अपमान न करें। अचानक से आपके कार्यस्थल में आपको लाभ हो सकता है, किंतु यहाँ पर एक बात जान लें कि आपके घर परिवार में या आपके कार्यस्थल में कुछ दुश्मन, आपके छुपे हुए दुश्मन आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए वो यंत्र मंत्र तंत्र का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे दुश्मनों से सतर्क रहें, पर अगर आप नहीं रह पा रहे तो हमारी मदद भी ले सकते हैं, उनको उनके द्वारा किए जा रहे हानि से बचने के लिए, वो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों के द्वारा। बात करते हैं आमदनी की, तो आमदनी के हालात परफेक्टली आपके फेवर में नहीं है, अप्स एंड डाउन चल रहा है आमदनी का, तो इसमें आप अगर शनि भगवान के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला का नित्यति जाप करेंगे तो आपको अभूतपूर्व लाभ धीमे धीमे करके होने लगेगा। स्नान इत्यादि के पश्चात के दान के साथ ये जाप करना है धूप दीप जलाकर। अगर आपके पास यह जाप उपलब्ध नहीं है तो हमें ईमेल करिए, हम निश्चित रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट यह जाप आपको भिजवा देंगे। बात करते हैं मीन राशि वाले उन व्यक्तियों के बारे में जिनकी शादी ही नहीं हो पा रही, रिश्ते वाले आते हैं रिजेक्ट करके चले जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, तो ऐसे व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो ऐसे युवक युवतियों को अपनी जन्म कुंडली दिखाकर अपने गृह दोषों को दूर करना अत्यंत आवश्यक है, तभी वो एक खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त करके शादी के लड्डू को चख सकेंगे। बात करते हैं मीन राशि वाले उन व्यक्तियों के बारे में जो प्रेम संबंधों को लेकर परेशान है, क्योंकि उनके प्रेम संबंध खराब हो रहे हैं, निश्चित रूप से वहां परेशानी आ रही है, अड़चन आ रही है, निराशा छा रही है, चाहे वो कोई भी रीजन क्यों ना हो, तो अपने प्रेम संबंधों में मजबूती लाने के लिए, उनको स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लीजिए, जिसके लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।